क्या आपको पता है कि ये जो वूल होता है, ये जो स्वेटर्स हम पहनते हैं, वो आते कहाँ से हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइए। सो आज का हमारा चैप्टर है फाइबर्स टू फैब्रिक। फैब्रिक होते हैं हमारे टू टाइप्स के। सबसे पहले होते हैं एनिमल बेस्ड फैब्रिक्स और दूसरे होते हैं प्लांट बेस्ड फैब्रिक्स। प्लांट बेस्ड फैब्रिक्स हम सिक्स क्लास में पढ़ चुके हैं और उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक आपके आई बटन में है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एनिमल बेस्ड फाइबर्स के बारे में एंड फैब्रिक्स के बारे में। सो एनिमल बेस्ड जो मेन फाइबर्स हैं वो होते हैं दो, एक होता है वूल और दूसरा होता है सिल्क। वूल आता है हमारा शीप से, याक से, कुछ गोट से। शीप के अंदर जो फाइबर होता है, जो उसके सारे बाल होते हैं बॉडी के अंदर, वही हमारा आगे चल के वूल बनता है। शीप के पास जो बाल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो सबसे ऊपर बाल होते हैं उसे कहते हैं कोर्स बियर्ड हेयर, और जो अंदर जो स्किन के पास बाल होते हैं उन्हें कहते हैं हम सॉफ्ट हेयर्स। और ये जो सॉफ्ट हेयर होते हैं, जो स्किन के पास वाले बाल होते हैं, वही वूल बनाने के काम आते हैं। शीप्स के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें स्पेसिफिकली चूज किया जाता है, जिनके बाल अच्छे होते हैं उन पेरेंट्स को। शीप्स इस तरीके की बनाई जाती है, इस तरीके की ब्रीड की जाती है, जिनके बाहर वाला जो वूल होता है वो भी सॉफ्ट होता है और अंदर वाला वूल होता है वो भी सॉफ्ट होता है। इसे कहते हैं हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब कुछ एनिमल्स जिनसे हमें वूल मिलती हैं वो हैं शीप, याक तिब्बत में और लद्दाख में मिलते हैं। एक होती है अंगोरा गोट, जिससे अंगोरा वूल मिलता है, जो कि जम्मू कश्मीर के हिल एरियाज में रहते हैं। और जम्मू कश्मीर में ही गोट्स होती हैं अलग तरीके की, जिनका जो फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और इसे भी वूल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो वूल बनती है इस गोट के फाइबर से, उसे कहते हैं हम पश्मीना, और इसी से हमारे शॉल बनते हैं जो बहुत फेमस हैं पश्मीना शॉल के नाम से। कैमल्स, अल्पाका, लामा, इन सब के भी वूल्स होते हैं जो कि साउथ अमेरिका के अंदर बनते हैं। शीप हमारी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो कि ग्रास एंड लीव्स प्रेफर करते हैं। उन्हें दालें, कॉर्न, जवार और ऑयल केक्स दिए जाते हैं। जब किसी भी चीज़ में से ऑयल निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो भूसा बचता है उसे कहते हैं ऑयल केक्स। तो ये सब उन्हें दिया जाता है ताकि उनके जो वूल आए वो बहुत अच्छा आए। जब उनका बहुत ज़्यादा वूल आ जाता है उनकी बॉडी के ऊपर, तो उनको शेव ऑफ कर दिया जाता है स्किन के साथ। थोड़ी सी स्किन के साथ, बहुत ज़्यादा स्किन के साथ नहीं, बहुत ही पतली लेयर ऑफ स्किन के साथ उसे शेव ऑफ किया जाता है। इसमें गोट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। जब आप हेड शेव ऑफ कराते हो तो आपकी भी स्किन थोड़ी सी निकलती है, वो डेड स्किन होती है, गोट को कोई परेशानी उससे नहीं होती है। और विंटर्स में गोट्स को इसलिए अंदर रखा जाता है क्योंकि उनका वूल निकाल दिया जाता है, और ताकि उन्हें ठंड ना लगे। वूल बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले उनके बालों को निकाला जाता है स्किन के साथ। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है उसे कहते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग के अंदर वो जो बाल और स्किन है उन्हें अच्छे से धोया जाता है टैंक के अंदर डाल के, उसके अंदर से डस्ट, ग्रीस और डर्ट को निकाल दिया जाता है। और उसके बाद होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में जो डिफरेंट तरीके के टेक्सचर्स होते हैं उन्हें सबको अलग अलग किया जाता है। उसके बाद बर्ड्स को पिक किया जाता है। कभी कभार आपके कपड़ों में जो वूल के कपड़े होते हैं उसके अंदर गोले बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं बर्ड्स। तो उन बर्ड्स को अलग किया जाता है और उसके बाद दोबारा से उनकी स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग का मतलब था वॉशिंग। और उसके बाद उन्हें ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद उन्हें स्ट्रेट किया जाता है, कॉम किया जाता है और कर्ल करके उनका यार्न बनाया जाता है। यार्न हमने पिछले चैप्टर में बना था, जब फाइबर से ट्विस्ट करके धागा बनता है उसे कहते हैं हम यार्न। सो जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनका हम क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं, वूल का धागा बनाते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए। और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनका सीधा वुलन क्लोथ बनते हैं। ये था हमारा पूरा वूल। अब इसके बाद दूसरा फैब्रिक होता है सिल्क। जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, जिसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। क्या प्रोसेस होता है सिल्क ऑब्टेन करने का, उससे पहले हम सिल्क जो हमारा ये सिल्क वॉर्म है उसकी पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये सिल्क वॉर्म कैसे बनता है। सबसे पहले जो मेल मौत होती है, बड़ी बटरफ्लाई जैसे दिखने वाली मेल मौत होती है, वो एग्स देती है। थोड़े टाइम बाद हैच होते हैं, उसमें से एक कैटरपिलर सिल्क वॉर्म निकलता है और वो पत्तियां खाता है और बहुत सारी चीजें खाता है। उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है उसे कहते हैं पूपा। पूपा अपने मुंह से एक लार्वा निकालता है। जो लार्वा होता है वो पूरे बॉडी के ऊपर अपने लपेटता है और साथ साथ अपने आप को पूरा कवर कर लेता है। जब वो कवर कर लेता है वो छोटे छोटे वाइट बॉल्स की तरह लगता है, इसे हम कहते हैं ककून। और इसी ककून को, जब वो ककून मैच्योर हो जाता है तो वो तोड़ के और बटरफ्लाई बन जाता है। और ये जो ककून के ऊपर जो कवरिंग होती है यही है जो हमारे सिल्क यार्न्स होते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कहा जाता है कि ये स्टील जितने स्ट्रांग होते हैं, ये आसानी से टूटते नहीं है। सिल्क की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, पर मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा यूज में आता है।
सबसे पहले जो एग्स होते हैं, मलबरी एग्स होते हैं, जो सिल्क वॉर्म होता है, उसके एग्स को फार्मर्स को बेच दिया जाता है। अब फार्मर्स उन्हें अच्छी सी कंडीशंस में रखते हैं, वार्म कंडीशंस में रखते हैं ताकि वो हैच हो सके। उसके बाद उन्हें बहुत अच्छे से खिलाया जाता है, मलबरी लीव्स दी जाती हैं जो कि वो खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि वो अच्छे से बढ़े और लगातार वो खाते हैं। उसके बाद 25 से 30 दिन के बाद वो अपने ऊपर ककून लपेटने लगते हैं, और जब वो ककून बन जाते हैं तो उन्हें बॉयल किया जाता है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, उन्हें बॉयल किया जाता है या स्टीम किया जाता है या फिर उन्हें सन में रख दिया जाता है ताकि वो सिल्क थ्रेड उस वॉर्म से अलग हो जाए। अब इस प्रोसेस के अंदर सिल्क वॉर्म मर जाता है, इसलिए मुझे ये प्रोसेस सिल्क बनाने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और सिल्क फैब्रिक भी अच्छा नहीं लगता है। मैं पर्सनली बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं सजेस्ट करती हूँ इतने जो जीव मर रहे हैं, इतने जो सिल्क वॉर्म्स मर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए मर रहे हैं ताकि हम सिल्क पहन सकें। तो ये कहीं से भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर इंडिया के अंदर इसकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और इंडिया के अंदर सिल्क बहुत ज़्यादा बनता है। अब ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं हम रीलिंग, ककून से सिल्क का निकलना, इसे कहते हैं हम रीलिंग। सो ये था हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।